हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डीमैक्स और डीमिन की प्रॉपर यूज। ये एक डाटाबेस फंक्शन है जो आपके डाटाबेस में से कुछ क्राइटेरिया के ऊपर आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर खोज के दिखा सकता है। मैंने एक डाटाबेस तैयार की हुई है जिसमें मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं। सभी का नाम रोहित है, लेकिन सब अलग अलग पर्सन हैं। सबकी अलग अलग रोल नंबर्स हैं, सबके अपने अपने नंबर्स और मार्क्स अचीव हुए हैं। मुझे ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम मार्क्स है कितने और उसका रोल नंबर कितना है। बस क्योंकि नाम तो रोहित ही है उसका, तो रोहित तो हम फाइंड कर सकते नहीं है। तो रोहित रोहित ही है, 5 रोहित। पांचों रोहित में से किसके हाईएस्ट आए उसका रोल नंबर, कितना आया वो नंबर, ये हमें फाइंड करना है। ये कहलाएगा डी मैक्स और डी मीन। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो हो जाएगा डी मीन। हम इसी वीडियो में एडवांस और बेसिक दोनों कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिखा दूंगा मुश्किल से 10 मिनट के अंदर कि क्या होता है डीमैक्स और डीमिन की प्रॉपर यूज एमएस एक्सेल के अंदर। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल कैट गुरु। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये वाली मेरी डाटाबेस है जो ग्रीन और येलो कलर की हेडिंग के साथ है, और जो पिंक रंग में है ये इतना खाली नेम एंड रोहित। ये क्या है मेरी, ये मेरी क्राइटेरिया है और बाकी चीज मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्राइटेरिया आपको बनानी होगी। जैसे कि नेम याद रखिएगा, जो आपकी हेडिंग है डाटाबेस की वही सेम स्पेलिंग स्पेस के बिना आपको अपने क्राइटेरिया में चाहिए। तो ये मेरी क्राइटेरिया है और आप जो क्राइटेरिया में नाम लिखोगे वो आपकी डाटाबेस में होनी चाहिए। तो अगर मैंने कहा है कि नेम में रोहित, तो आपके डाटाबेस के नेम में रोहित होना चाहिए, तभी वो उसको वहां सर्च करेगा। तो ठीक है, तो ये मेरी क्या है, ये है मेरी क्राइटेरिया। ओके, अब मैं फाइंड करता हूँ कि मैथ में हाईएस्ट नंबर है कितने। अब आप बोलोगे आपने रोल नंबर फाइंड क्यों नहीं किया, तो रोल नंबर हमारा एडवांस के ऊपर आएगा। अभी हम फाइंड करते हैं मैथ के नंबर, इंग्लिश के नंबर और टोटल के नंबर, कि किसके ज्यादा नंबर है, वो नंबर है कितने, और फिर किसके होंगे वो हम फाइंड करेंगे एडवांस में। ओके, तो अभी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मैथ में नंबर है कितना। चलो, मैंने इक्वल टू लिखा, डी मैक्स लिखा, डाटाबेस सेलेक्ट की पूरी डाटाबेस हेडिंग को इंक्लूड करके सेलेक्ट की, उसने फील्ड पूछा कि कौन से वाला फील्ड चाहिए आपको। मैंने कहा कि मैथ का नंबर, तो मैंने मैथ की हेडिंग को सिलेक्ट किया, इक्वल टू लगाया। उसने कहा क्राइटेरिया कंडीशन क्या है, मैंने कहा कंडीशन ये है कि जिनका नाम रोहित हो उसका नंबर खोजो मैथ में हाईएस्ट वाला। ठीक है, ये हो गया पूरा नंबर, मैंने एंटर लिया। मैं समझा दूं फिर से आपको, डाटाबेस सेलेक्ट की डाटाबेस खोजना है, किसको खोजना है, मैथ के नंबर को खोजना है। कैसे खोजना है, जिनका नाम रोहित हो और मैक्सिमम हो उनको खोजना है। मैंने एंटर लिया और कहा आया, यहाँ पे लिखा आ गया कि 87 जो है हाईएस्ट नंबर है मैथमेटिक्स में। मैंने कहा ऐसे इंग्लिश में फाइंड कर दो, इक्वल टू डी मैक्स डाटाबेस कॉमा फील्ड इंग्लिश के नंबर कॉमा क्राइटेरिया जिनका नाम रोहित हो, एंटर। तो 80 नंबर हाईएस्ट है इंग्लिश में। टोटल की बात कर लेते हैं, टोटल में लिखा इक्वल टू डी मैक्स डाटाबेस कॉमा, उसके बाद आप लिखोगे अपनी फील्ड तो टोटल, उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या हमारी, इनका नाम रोहित हो। तो आप देख सकते हो कि हाईएस्ट है 139। अगर मुझे मिनिमम करना होता तो बिल्कुल सिंपल सेम चीज रहेगा। अगर मैं इसी में दिखाना चाहूँ आपको, जहां मैंने डी मैक्स लिखा है खाली, मैं खाली इसे एम आई एन कर दूं बस, बाकी सब कुछ सेम रहेंगे, तो आपको आ जाएगा मिनिमम नंबर 132। क्या है मिनिमम, मतलब आपको खाली एम ए एक्स हटा के एम आई एन करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो बन जाएगा वो डी मीन। अब आते हैं एडवांस के ऊपर। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैथ में जिसके 87 आए हैं वो है तो रोहित, लेकिन कौन सा वाला रोहित, क्योंकि ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है। और मैं चाहता भी नहीं सर्च करना कि मैं बैठ के सर्च करूं कि 87 रोल नंबर 4 है, 4 वाला रोहित। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, कंप्यूटर से काम करें खुद से। तो देखो कितना आसान काम है। अब जब आपको रोल नंबर खोजना है, ठीक है, आपको क्या करना है, रोल नंबर खोजना है, मतलब डी गेट, मतलब कि हम डी मैक्स के बाद डी गेट को यूज कर लें, तो यही कहलाता है डी मैक्स का एडवांस वर्जन। इक्वल टू डी गेट, ठीक है, ब्रैकेट डाटाबेस, मैंने डाटाबेस सेलेक्ट की
कॉमा, उसने कहा फील्ड, मैंने कहा रोल नंबर चाहिए मुझे, क्योंकि नाम तो सबका सेम है तो मुझे रोल नंबर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। उसने कहा कि आपकी क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा कि मेरी क्राइटेरिया है जिसके मैथ में 87 नंबर आ रहे हैं, तो मैंने मैथ और वो निचला सेल सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरी क्राइटेरिया है। मैंने एंटर लिया और आंसर आया 4, कि उसका रोल नंबर 4 है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे डी मैक्स को डी गेट के साथ, या मैंने कहूँ कि डी मिन को डी गेट के साथ कंबाइन किया, और मैंने एक साथ दो काम करने सीखे कि हम मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लेंगे, कि ये नंबर मैक्सिमम है, ये नंबर मिनिमम है, लेकिन है किसका, ये फाइंड करने के लिए हमने डी गेट को साथ में ले आया। तो इससे बन गया हमारा एक एडवांस वर्जन ऑफ डी मैक्स। यहाँ पे हम पता कर पा रहे हैं कि 87 नंबर हाईएस्ट जरूर है, लेकिन है किसके, जिसका रोल नंबर 4 है। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश में 80 हाईएस्ट आ रही है, उसका रोल नंबर कितना है, तो मैं नीचे इसके रोल नंबर फाइंड करता हूँ, इक्वल टू मैंने लिखा डी गेट डाटाबेस, वो डाटाबेस कॉमा, उसने कहा फील्ड, मैंने कहा कि फील्ड में चाहिए रोल नंबर, उसने कहा क्राइटेरिया, मैंने कहा क्राइटेरिया ये है कि इंग्लिश में 80 नंबर, मैंने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया और लिखा आया रोल नंबर उसका है 1। तो जिसके रोल नंबर 1 है उसकी नंबर इंग्लिश में 80 नंबर आ रही है। मैंने कहा टोटल जिसका 132 है, मुझे उसका रोल नंबर चाहिए, 132 है क्या, 132 है मिनिमम नंबर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे कम कौन से वाले रोहित का आया है, उसकी रोल नंबर क्या है। तो मैंने लिखा डी गेट पूरी डाटाबेस कॉमा फील्ड रोल नंबर क्राइटेरिया, तो मैंने कहा जिसके टोटल 132 आ रहे हैं वो वाला रोहित, एंटर लिया, उसका रोल नंबर है 5th, मतलब जो रोल नंबर 5th है उसके टोटल में सबसे कम नंबर आ रहे हैं वो है नंबर है 132। इंग्लिश में जिसके मैक्सिमम 80 आ रहे हैं उसका रोल नंबर है 1, मैथ में जिसका 87 नंबर आ रहा है मैक्सिमम उसका रोल नंबर है 4। क्लियर हुआ, ये हमने यूज किया डी मैक्स डी मीन डी गेट को साथ में। अगर आप चाहते हो डी गेट का प्रॉपर वीडियो सीखना, जहां पे आप सीख पाओ एडवांस वर्जन और बेसिक वर्जन, तो मैं आपको लिंक देता हूं डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाइए, प्लीज चेकआउट करिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है जहां आप सीख पाओगे एडवांस के साथ साथ बेसिक यूज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।